बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसेस इमरान। रेमेडीज एंड रिव्यू में मोस्ट वेलकम, आपको वार्मली वेलकम करती हूँ। आज बात होगी, बहुत ही अच्छी दो रेमेडीज लाई हूँ आज, खूबसूरत चमकदार, जो चेहरे को हसीन बनाने के लिए हमारे मोतियों जैसे अगर दांत हों तो वो रौनक बख्श देते हैं, वो मुस्कुराहट को भी रौनक दे देते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट एक सदका है। आप अच्छे तरीके से दूसरों से मिले, मुस्कुराहट का तबादला करें, और अगर दांत साफ सुथरे हों, चमकदार हों, तो अच्छे लगते हैं। फिर क्या है, आपकी सूरत जो है वो भली लगती है जी। आज बात होगी, आप अपने दांतों को मोतियों की तरह कैसे चमका सकते हैं। बहुत ही ईजी रेमेडीज हैं ये दोनों, बहुत अच्छी हैं और हर घर में तकरीबन ये चीज़ें पाई जाती हैं। आपके साफ सुथरे दांत होंगे, चमकदार होंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। और दांतों में किन वजूहात से ये होते हैं, येलोनेस कैसे आती है, कुछ तो लोग जो है उसका सफाई का ख्याल नहीं रखते, खासतौर पे रात को अगर दांत ना साफ करें तो दांत जो है पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी और पान नोशी, ये भी जो है दांतों को ख़राब करने का बाइस बनते हैं। ये इन वजूहात के बिना पर भी जो है वो दांत हो जाते हैं ख़राब, तो इस वजह से। इसके अलावा और मेडिसिन के हवाले से भी बात होगी, तो दो रेमेडीज हैं। सबसे पहले तो हम एक, आपने कुछ यूज़ नहीं करना, आपको पता है कि जो पेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं इसमें भी मीठा वगैरह पाया जाता है, लिहाजा इससे आप मोतियों की तरह बना सकते हैं रेमेडी से चमकदार। जी हमें चाहिए ज़बरदस्त किस्म का नेचुरल इंग्रेडिएंट लेमन। लेमन में बहुत अच्छी खसूसियात पाई जाती हैं, इसमें नेचुरल ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके दांतों को चमकदार और साफ़ सुथरा बनाएंगे, खूबसूरत मोतियों जैसे कर देंगे। आपने क्या लेना है, 2-3 कतरे लेमन के, उसके साथ नमक की चुटकी लेनी है, और इनको मिक्स करके आपने जो है ब्रश पे, पेस्ट के ब्रश पे लगाना है, और पेस्ट यूज़ नहीं करना। हफ्ते में आप 2 बार इस्तेमाल करें तो आपके दांत चमकदार हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि जो ये है लेमन, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। ये सिर्फ स्किन की सफाई नहीं करता, ये दांतों की भी मैल कुचैल को उतार देता है और पूरा रौनक और चमकदार बनाएगा। आपकी शख्सियत को 4 चांद लग जाएंगे, आपके चमकदार दांत जो हैं आपको बहुत खूबसूरत बना देंगे, आपकी पूरी शख्सियत में जो आपके होंठों की खूबसूरती को भी नुमायाँ करते हैं, अगर साफ हों दांत। और सिर्फ ये मुस्कुराहट के हवाले से ही नहीं ज़रूरी, दूसरी रेमेडी भी बहुत अच्छी है। उसमें आपको चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है सिर्फ बेक करने के लिए यूज़ नहीं, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो आपको बेकिंग के साथ साथ जो है आपकी स्किन की सफाई के लिए, दांतों की सफाई के लिए भी बहुत ही अहम है। ये भी आपके खूबसूरत दांत बनाएंगे, चमकदार बनाएंगे। इसमें भी आपने करना है नमक का इस्तेमाल। इन दोनों को मिक्स करके आप थोड़े थोड़े चुटकी चुटकी इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करने। इसकी रीज़न ये है कि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके दांत, और हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ये रेमेडीज यूज़ करनी है, क्योंकि नमक जो है वो आपके दांतों को वरना वाइट आपके मसूड़ों को कर देगा। आप बिल्कुल एतदाल में रहते हुए हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इनको करें इस्तेमाल। ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं, साफ़ सुथरे दांत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, खूबसूरत होंगे। आई होप आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। जो न्यू व्यूवर्स है वो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सबसे पहले मेरी जो डेली की वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने रिश्ते का बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।